अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं कवल सज्जाद आज फिर एक न्यू डेमो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, तो आज हम जो कलर अचीव करने की ट्राई करेंगे, मतलब देखेंगे कि हम इस कलर को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली हमारे पास सलून में जो और मजीद लोगों की डिमांड आती है, वो आती है इस तरह की शेड्स की, मतलब एश ग्रीन। जबकि एश ग्रीन हमारे किसी भी कंपनी के शेड कार्ड में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी हमसे कहते हैं कि हमें इस तरह का एश ग्रीन कलर चाहिए। तो अब हमारे पास तो ये तो रिमोट ने अभी न्यू कलर्स बनाए, जबकि इनका नाम एश ग्रीन है भी नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है एश ब्लॉन्ड ग्रीन और ये 7N ब्लॉन्ड, ठीक है। ये भी रिमोट ने अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किए, लेकिन आज से पहले हमारे पास ये नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये शेड्स अवेलेबल नहीं है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, आज हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके लिए मुझे चाहिए 9.11, ठीक है। कट डाउन वाले हेयर होने चाहिए, नॉर्मल कट डाउन हो कोई मसला नहीं है। ये देखिए, अगर बहुत ज्यादा है तो वो जो ब्लू कलर का पिगमेंट हम डालते हैं आप वो भी डाल सकते हो। इस तरह से नॉर्मल हमें 9-10 लेवल का कट डाउन चाहिए बालों पे, इसके लिए 9.1 चाहिए। अच्छा जी, तो 9.11 के साथ साथ हमें चाहिए 0.77, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है ग्रीन का, ओके। मैं आपको रिमोट का शेड कार्ड भी उठा के दिखाती हूँ। ये है ग्रीन का रिफ्लेक्शन 0.77, ये देखिए, ये 0.77 है, ठीक है। मैं आपको इसका रिफ्लेक्शन भी दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे शीट कार्ड में 0.77, ठीक है, ये ग्रीन कलर है। अब मैं कैसे करूंगी काम, देखिए, अगर मुझे कोई क्लाइंट आता है मेरे पास और वो मुझसे कहता है कि उसे एश ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं सबसे पहले 9.1 लूंगी, क्योंकि 9 एक लेवल है हाईलाइट्स के लिए, हमें 9 लेवल तक जाना होता है, तो 9 लेवल का कलर ले लूंगी। पॉइंट इसमें 1 है, मतलब इसमें एश मौजूद है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही कलर लूंगी कि मैं एक स्टैंड पे लगा सकूं, ठीक है। और मैं इसमें 0.77 इसका एक बिल्कुल छोटा सा डॉट डालूंगी, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब मैं इन दोनों कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, कल की वीडियो में आपने देखा था कि हमने 8.0 के साथ 3 का रिफ्लेक्शन डाला था, जो आप 9.0 के साथ भी डाल सकते हो, 9.1 के साथ भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आज हमें ग्रीन का रिफ्लेक्शन चाहिए, ग्रीन एश ग्रीन कलर चाहिए, गोल्ड में नहीं चाहिए, तो हम इसके अंदर ग्रीन का रिफ्लेक्शन डालेंगे। और एज यूजुअल इसमें 20 वॉल्यूम डालेंगे, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मैं रिमोट का यूज कर रही हूँ। बिल्कुल सेम क्वांटिटी में जितना हमारा कलर है उतना ही हमारा डेवलपर होगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे हम। अब अगर मैं किसी क्लाइंट के बालों पर काम कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने आधी ट्यूब ली और एक मटर के दाने के बराबर डाला है, फिर मैं 5 ml इस तरह से क्वांटिटी में डालूंगी, ठीक है। ये तो इतना सा स्टैंड है, इसलिए मैंने एक डॉट डाल दिया है। मैं एक स्टैंड ले रही हूँ, देखिए ये वाला एक स्टैंड ले रही हूँ, इसके ऊपर कलर लगा रही हूँ अच्छी तरह से, और फिर 10 मिनट्स के लिए हम अगेन इसको छोड़ देंगे। ताकि अच्छे से टोनिंग हो जाए इसके ऊपर, और इसे हमें पैक पैक करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट्स बाद, ओके। अच्छा जी, तो अब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा कलर चेंज हो गया है, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए बहुत अच्छा सा इसमें ग्रीनिश टाइप शेड आ गया है, बहुत जबरदस्त है ये। मैं इसको वॉश करके अब आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए,
इसको यहीं पे वॉश कर लेते हैं आपके सामने, फिर मैं इसको ड्राई करके ये देखिए कितना जबरदस्त सा कलर आया है। लोग इसको एश ग्रीन बोलते, लिजर्ड कलर बोलते, इलायची का रंग बोलते हैं और बहुत पागल होते हैं ये कलर अचीव करने के लिए। और कितना आसान तरीका है इसको अचीव करने का आप देखो, और ये इतना डिसेंट लगता है हाइलाइट्स में, बड़ा ऑसम शेड आता है इसका, बड़ा जबरदस्त लगता है ये, बिल्कुल चीप और ओवर नहीं लगता है। ठीक है, अब मैं इसका ड्राई करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब ये देखिए ये कलर हमने अचीव किया है एश ग्रीन का। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से क्या है, आप देखो कितना आसान तरीका है। नजर आ रहा है आप लोगों को क्लियर ये शेड? अब मैं कल वाला शेड दिखाती हूँ जो हमने कल की वीडियो में अचीव किया, ये देखें। जबकि दोनों का कट डाउन का लेवल सेम ही था, ऐसा नहीं था अलग अलग था, हमारा कट डाउन का लेवल ये था, ये देखें, ये हमारे कट डाउन का लेवल था जिसपे हमने गोल्ड पिगमेंट के साथ ये अचीव किया है और ग्रीन पिगमेंट के साथ ये अचीव किया है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत आसान है अगर हम इसको टेक्निकली अच्छी तरह से कि किस शेड को किस में कितना मिक्स करना है अगर ये हम जज कर ले, समझ ले, तो हमारे लिए काम करना इतना आसान हो जाता है और इवन क्लाइंट का दिमाग पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है। आप लोग देखो इसी कट डाउन के लेवल के साथ मैंने इसको अचीव किया, फिर इसको अचीव किया। ठीक है, अब इसी कट डाउन के लेवल के साथ मैं एश ग्रे आपको अचीव करके दिखाऊंगी, इंशाल्लाह वो हम कल की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासेस समझ आ रही होगी। प्लीज मेरी वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें सीखना समझना चाहते हैं जो बहुत बड़े बड़े इदारों में बहुत महंगा सिखाया जाता है। तो प्लीज इन वीडियो से दूसरों को भी फायदा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।